हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम ब्रीडिंग पेयर के साथ में पट्ठों को कैसे पहचानते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही आसान तरीका होता है। जैसे कि ये देखें, ये एक चिक्स बैठा हुआ है, ये उधर की तरफ चला गया, ये देखें, ये फिर से इधर आ गया, ये देखें तो, और एक ये भी चिक्स ही है, ये अल्बाइनो का चिक्स है, ये देखें। दोस्तों हम इनको आसानी से किस तरीके से पहचान सकते हैं वो मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने अपने बजीज पैरेट के सारे ही पट्ठे अलग करके रखे थे। और सबसे पहले आप इन पट्ठों को देखना, फिर मैं आपको ब्रीडिंग पेयर को दिखाऊंगा। ये देखें, यहाँ से लेके वहाँ तक जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये गाइस सारे ही पट्ठे हैं, यानी सारे ही बच्चे हैं ये। ये देखें तो ये, सबसे पहले इनका साइज़ देखें दोस्तों। इनका साइज़ जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा रहता है, ब्रीडिंग पेयर से बहुत ज़्यादा छोटा साइज रहता है। उसके बाद में इनका जो है दोस्तों, उड़ने का तरीका भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है ब्रीडिंग पेयर के मुकाबले पर। तो इसीलिए दोस्तों हम इनको इजीली और बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि ये पट्ठे हैं और ये ब्रीडिंग पेयर हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी नोज़ दिखाना चाहूँगा, ये देखें भाई, ये देखें, आपको नोज़ नज़र आ रही होगी। तो दोस्तों नोज़ जो है, पट्ठे जो होते हैं उनकी पूरी वाइट नहीं होती। अगर वो फीमेल होगी तो दोस्तों पूरी वाइट नहीं होगी, अगर वो मेल होगा तो पूरी ब्लू नहीं होगी। तो ये देखें, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैं दोस्तों बहुत आसान तरीका है ये बजीज पैरेट में पट्ठों का पहचान करना। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब बजीज पैरेट में हम पहचान लेते हैं तो हमको बजीज पैरेट के पट्ठों को अलग कब करना चाहिए, जिससे कि वो सेल्फ रहें, और जब हम उनको दूसरी जगह अलग कर दें तो वो वहाँ पर भी दाना यानी सॉक फूड खाते रहें अच्छे से। तो दोस्तों आपको करना ये है कि जब अपने पट्ठों को अलग करना है, जब वो सेल्फ हो जाएं, जब वो दाना खाना अच्छे से सीख जाएं, जबकि वो दाने को बहुत अच्छे से खा लें, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ब्रीडिंग पेयर जो होता है वो दोस्तों बहुत परफेक्ट फ्लाई करता है, और मैं आपको अभी जैसे कि दिखाना चाहूँगा, तो थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाऊँगा, ये देखें। तो भाई ये है ब्रीडर फीमेल, ये वाली जो है ये ब्रीडर फीमेल है, और ये है ब्रीडर नर, ठीक है ना। अब दोस्तों इसके बीच में बैठा हुआ है पट्ठा, वो ये रहा, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये खुजा जो रहा है, मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों ये है पट्ठा। तो इस तरीके से हम पट्ठों को पहचानते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ऐसा कोई भी एक अलग तरीका नहीं है कि मैं अपने पट्ठों को एक आसानी से पहचान लेता हूँ। बस दोस्तों एक एक्सपीरियंस कहता है, जो कि मैं आपको बताऊं, मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं पहचान लेता हूं कि ये पट्ठा है और ये ब्रीडिंग पेयर है। और आप लोगों को भी, जब आप लोग अपने पास बर्ड्स को रखोगे तो आप लोगों को जो वो धीरे धीरे हॉबी हो जाएगी, धीरे धीरे आपको जब नॉलेज होगी तो आप जो दोस्तों विदाउट कन्फ्यूजिंग आप भी बहुत आसानी से पट्ठे में और ब्रीडिंग पेयर में पहचान कर लोगे, और आपको किसी भी तरीके की दिक्कत जो है वो नहीं होगी। तो दोस्तों आप लोगों को उस कोने में अब भी बच्चे नज़र आ रहे होंगे, बट दोस्तों अब जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, क्योंकि वो जो अब उसमें से काफ़ी बच्चे जो फ्लाई करने लग गए, तो उनको भी हम जो अलग करेंगे। तो दोस्तों कुछ यही तरीका होता है जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया। जैसे कि ये देखें, ये नीचे की तरफ बैठा हुआ है तो ये पट्ठा है, अब ये फ्लाई करने लग जाएगा तो फिर कैसे पहचानेंगे। तो मैं आपको इसको पकड़ के दिखाता हूँ एक बार ही, अगर जो हाथ में आता है तो, कोई हाथ में तो नहीं आया, इस दूसरे वाले को पकड़ लेते हैं। तो ये देखें गाइस, मैं आपको इसकी नोज़ दिखाऊं, तो इसकी नोज़ जो है वो पूरी ब्लू है, यानी कि ये मेल है। ये देखें गाइस, मेल बर्ड है। तो अब इसकी मैंने पहचान कैसे की कि इसकी नोज़ जो पूरी पूरी जो है डार्क नहीं हुई है, यानी कि पूरी डार्क ब्लू नहीं हुई है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम पहचान कर सकते हैं, और आप लोग भी दोस्तों इसी तरीके से बहुत इजीली पहचान कर लोगे। ये देखें, अब ये ब्रीडर नर है, ये ऊपर उड़ गया, तो ये ब्रीडर नर था। अब ये पट्ठे जो सीड मिक्स पर बैठे हैं, ये दोस्तों सारे ही पट्ठे हैं। तो दोस्तों आप लोग भी जो है ना दोस्तों इसी तरीके से पहचान कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा इतना बड़ा काम नहीं है। और मैंने आपको पट्ठे में और ब्रीडिंग पेयर में बता ही दिया है। अगर आप लोगों को अब भी कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट्स में आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हो, अगर आपको कोई बात अभी समझ में नहीं आई है। तो दोस्तों हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा कि आज का भी ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो के लिए एक लाइक, और हमारे यूपी पैरेट बर्ड्स लवर चैनल को ज़रूर कर लेना सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग भरे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। तो बाय बाय ऑल फ्रेंड्स।